नमस्कार, दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा आपके साथ। आपको बताते चले, खबर जो है वो सांबा से निकल के सामने आई है। आपको बताते चले, सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। वहीं पे पाकिस्तानी घुसपैठिया किया डेर, ये सामान जो है वो उसके साथ साथ बरामद किया गया है। अब पूरी खबर क्या है वो आपके आगे रखते हैं। आपको बताते चले, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जवानों ने एक पाक तस्कर को मार गिराया है। वहीं पे जब वह रामगढ़ सीमा इलाके के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी करने की कोशिश कर रहा था, वहीं पे पाक तस्कर के शव के साथ संदिग्ध नशीले पदार्थों के 4 पैकेट जो है वो बरामद किए गए हैं। उसी के साथ साथ आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर के सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिला में अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तान घुसपैठिए को मार गिराया है। वहीं पे अधिकारियों की माने तो अधिकारियों ने कहा कि सतर्क सीमा रक्षकों ने सोमवार यानी कि कल की बात करें तो देर रात रामगढ़ सेक्टर में एसएम पूरा पोस्ट के पास संदिग्ध गतिविधि देखी और जब वे संदिग्ध घुसपैठियों ने बार बार दी गई चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया तो गोलाबारी शुरू कर दी। वहीं पे उन्होंने बताया कि गोलाबारी में एक व्यक्ति को गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इलाके की तलाशी के बाद नशीले पदार्थों के 4 पैकेट जिसका वजन लगभग 4 किलोग्राम मिले हैं, वहीं पे 4 पैकेट बरामद किए गए हैं जिसका जो वजन है वो 4 किलोग्राम है। वहीं पे बीएसएफ के पीआरओ ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जवानों ने एक पाक तस्कर को मार गिराया है। जब वह रामगढ़ सीमा इलाके के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी करने की कोशिश जो है वो कर रहा था, वहीं पे पाक तस्कर के शव के साथ संदिग्ध नशीले पदार्थों के 4 पैकेट जो है वो भी बरामद किए गए हैं और आगे की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज। सोनिया डोगरा को दी आज्ञा, नमस्कार।